बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मेहनाब अली है। आई एम स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट गुलाम इसहाक इंस्टीट्यूट। मैं कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस के ऊपर फिजिक्स पढ़ाऊंगा। टुडे द टॉपिक आई चोज इज कूलम्स लॉ, दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक इन योर सेकेंड ईयर फिजिक्स बुक। नाउ कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एक हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है। हम स्टूडेंट्स हैं जाए के जिन्होंने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है। इसका काम यह है कि ऑनलाइन आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँ, एंडिडेट्स की प्रिपरेशन करवाई जाए ताकि आप लोगों को पे ना करना पड़े। नाउ द टॉपिक आई चोज इज़ कूलम्स लॉ। हम इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा और नेक्स्ट टाइम से हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आज टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। That is Coulomb's law. Coulomb's law क्या है, इसका काम क्या है, ये बताता क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कूलम्ब एक साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ दिया था, एक इंजीनियर था, फ्रेंच इंजीनियर था जिसने ये लॉ दिया था, और इसके बहुत सारे और भी फिजिक्स में हमारी कंट्रीब्यूशन हैं। सबसे पहला मैं आपको कूलम्स लॉ बताऊं, इससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है। तो हम चार्ज की बात करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव। अब ये होता क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस? पॉजिटिव चार्ज एक सब्सटेंस है, एक क्वांटिटी है, एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज को जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अब हमें ये पता है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन की फोर्स है और इन दोनों के लिए आपस में रिपल्शन की फोर्स है। अब हम इसकी बात कर लिए तो हम आते हैं कूलम्स लॉ की तरफ। कूलम्स ने जो लॉ दिया था ये एप्लीकेबल था ऑन पॉइंट चार्जेस। तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसका साइज एज कम्पेयर टू इट्स चार्ज इज वेरी स्मॉल। ये जिसका साइज इज वेरी वेरी लेस देन इट्स चार्ज। तो कूलम्स लॉ जो एप्लीकेबल है इट इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। सो हम इसकी बात करते हैं कूलम्स लॉ की। कूलम्ब से पहले तक हमें ये मालूम था कि दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्सेज होती हैं। हमें यह भी मालूम था कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिमिलरली पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि इनके दरमियान कितनी फोर्स लगती है। हमें फोर्स की क्वांटिटी मालूम नहीं थी, सिर्फ ये मालूम था कि इनके दरमियान में कोई फोर्स लगती है। तो कूलम्ब वो पहला बंदा था जिसने हमें यह बताया कि भाई इनके दरमियान में जो फोर्स लगती है उसकी क्वांटिटी क्या है। ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट से उसे क्या पता चला, उसे ये मालूम पड़ा कि जो फोर्स है जो दो चार्जेस के दरमियान लग रही है, उन चार्जेस का नाम मैं एक का नाम Q1 रखता हूँ और एक का नाम मैं Q2 रखता हूँ। अब कूलम्ब ने जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो उसको ये मालूम पड़ा कि जो फोर्स है जो इन दो चार्जेस के दरमियान लग रही है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज 2। इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली रिलेशन है। मतलब अगर चार्ज 1 बढ़ेगा तो कूलम्ब की फोर्स बढ़ेगी, अगर चार्ज 2 बढ़ेगा तब भी कूलम्ब की फोर्स बढ़ेगी, और अगर इनमें से किसी एक का भी मैग्नीट्यूड कम होगा तो ऑटोमेटिकली कूलम्ब की फोर्स भी कम होगी। ये बातें उसको एक्सपेरिमेंटली पता चली। अब जब उसने एक्सपेरिमेंट्स दोबारा से परफॉर्म किए तो उसको ये भी मालूम पड़ा तो जो ये फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। अब इस रिलेशन से हमें यह बात मालूम पड़ती है कि अगर इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो कूलम्ब की फोर्स ज्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कूलम्ब की फोर्स कम होगी। लेट्स सपोज इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है और इनके दरमियान जो फोर्स थी वो 4 न्यूटन थी। हम बात कर लेते हैं बस यूं ही। अब अगर मैं आर 1 सेंटीमीटर कर देता हूं तो कूलम्ब की फोर्स डबल नहीं होगी बल्कि 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, जो कि 16 न्यूटन के बराबर है, क्योंकि स्क्वायर है। जब स्क्वायर है तो उसका 2 की बजाय 1 है, तो हाफ होने के बजाय वो 1/4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी।
अच्छा, अब इन दो क्वांटिटीज को हम जब इकट्ठा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन मल्टीप्लाई बाई क्यू टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। नाउ वी ऑल नो दैट जब हम एक रिलेशन को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इक्वालिटी का साइन हटाकर, रिलेशन का साइन हटाकर इक्वालिटी का लगाते हैं तो साथ में एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है। अब इस केस में जो कॉन्स्टेंट है दैट इज के। नाउ इस कॉन्स्टेंट की बात करते हैं कि वट इज के। K इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, और ऑफ कोर्स इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। नाउ इट्स वैल्यू इज डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट वी प्रपोज फॉर क्यू वन एंड क्यू टू एंड आर एज वेल एज द मीडियम बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। अब ये हमारे पास दो चार्जेस थे, इनके दरम्यान में कोई ना कोई मीडियम तो होगा, ये वैक्यूम होगी, एयर होगा, वाटर होगा, पेपर होगा, कोई भी मीडियम होगा। अब जो k की वैल्यू है उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है एज वेल एज इनके यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। लेट्स सपोज हम इसके लिए जो यूनिट्स अभी यूज कर रहे हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स यूज कर रहे हैं, मतलब आपका चार्ज किस में होगा, कूलम में होगा, आपका आर मीटर्स में होगा, और फोर्स आपकी जो आएगी वो न्यूटन्स में आएगी। सो अच्छा, k की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। अब जो मीडियम चेंज होगा के की वैल्यू भी चेंज होगी। जो कूलम ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम। अब के की जो वैल्यू होती है वो बराबर आती है, एक्सपेरिमेंटली उसे पता चला कि 1/4 πε₀ के बराबर आती है। इसमें 1/4 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, ε₀। ε₀ क्या है? इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट एप्सिलॉन नॉट एक मीडियम की वो एबिलिटी है, एक सलाहियत है कि उन दो चार्जेस, उस मीडियम में जो दो चार्जेस पड़े हैं उनके दरमियान वो फोर्स को कितनी ज्यादा लगने की या अट्रैक्शन या रिपल्शन या होने की कितनी ज्यादा अलाउ करती है। लेट्स सपोज ई नॉट की वैल्यू अगर स्मॉल है तो के की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। के की वैल्यू ज्यादा होगी तो इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है? एफ इज इक्वल टू है के क्यू वन Q2 by R square। अगर epsilon naught की वैल्यू कम है, K की वैल्यू ज्यादा होगी, K की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब एक ऐसा मीडियम जिसके लिए epsilon naught की वैल्यू कम है उसके लिए K की वैल्यू ज्यादा है और उसके लिए F की वैल्यू ज्यादा है, तो वो मीडियम दो चार्जेस के दरमियान ज्यादा फोर्स लगवा सकता है। मतलब उसकी एबिलिटी ज्यादा है कि उनके दरमियान दो चार्जेस के दरमियान ज्यादा फोर्स लग सकती है। लेकिन अगर हम एक ऐसा मीडियम चूज करते हैं जिसके लिए epsilon naught की वैल्यू ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि K की वैल्यू कम होगी, और K की वैल्यू कम होगी तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। तो वो एक ऐसा मीडियम है जिसमें अगर आप दो पॉइंट चार्जेस को रखेंगे तो उनके दरमियान सेम डिस्टेंस के ऊपर होने के बावजूद भी कम फोर्स लगेगी, चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, चाहे उनके लिए जो डिस्टेंस है वो भी सेम हो, लेकिन फिर भी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की वजह से फोर्स कम लगेगी। अब वैक्यूम के लिए तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। एप्सिलॉन वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। लेट मी रिमूव दिस फॉर्मूला। हमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू हमने की इज इक्वल टू 1/4 πε₀। एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने बताया कि इट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन लाजमी तो नहीं हम हमेशा वैक्यूम यूज करेंगे, हमें दो चार्जेस को वाटर के दरमियान भी रखना पड़ेगा, उन दो चार्जेस के दरमियान पेपर भी लाना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होती है। उसके लिए जो एक और कॉन्स्टेंट हम एक फैक्टर इन्वॉल्व कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड ई आर। अब ई आर जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही होती है ई नॉट के ऊपर, मतलब अगर एक मीडियम चेंज होगा तो ई आर की वैल्यू चेंज होगी। अब अगर आपके पास कोई और वाटर है या कोई और मीडियम है तो उसके लिए ई आर की वैल्यू हमेशा ई नॉट से ग्रेटर होती है। ई नॉट सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ER की वैल्यू हमेशा E नॉट से ग्रेटर होगी। ये एयर के लिए है या वैक्यूम के लिए जैसे हम कह सकते हैं, और ये बाकी तमाम मीडियम के लिए, ऑल अदर मीडियम्स के लिए। एक बात यहां से हमें और मालूम पड़ी कि अगर एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम है तो फिर हमें E नॉट की बजाय ER यूज करना पड़ेगा।
अब ई आर की वैल्यू हमेशा ई नॉट से ग्रेटर है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट के की वैल्यू स्मॉल होगी और फोर्स की वैल्यू भी स्मॉल होगी। तो यहाँ से एक बात हमें पता चली कि वैक्यूम एक या एयर एक ऐसा मीडियम है जिसमें अगर हम दो पॉइंट चार्जेस को रखेंगे तो उनके दरमियान मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, और इसके अलावा किसी भी मीडियम में अगर हम दो चार्जेस को रखेंगे तो सेम डिस्टेंस के लिए बावजूद सेम मैग्नीट्यूड होने के बावजूद उनके दरमियान जो फोर्सेज होंगी वो एज कम्पेयर टू वैक्यूम के कम होगी। अब कूलम को ये मालूम पड़ा कि ये जो फोर्स है इट इज म्यूचुअल फोर्स बिटवीन दिस टू पॉइंट चार्जेस। म्यूचुअल फोर्स क्या होती है? म्यूचुअल फोर्स ये है कि ये चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहा है दूसरा चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा। मींस अगर Q1 Q2 के ऊपर 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी Q1 के ऊपर 4 न्यूटन फोर्स ही लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, मैं ले लेता हूँ दोनों पॉजिटिव ले लेता हूँ। अब लेट सपोज इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है, मैं फोर्स मालूम करना चाह रहा हूँ बाय Q1 ऑन Q2, फोर्स जो कि Q1 लगा रहा है ऑन Q2, उसको हम डिनोट करते हैं F21 से। ये बराबर होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, इसका स्क्वायर। अब इस केस में ये डिस्टेंस हम रख लेते हैं 2 1, 2 और 1 डिवाइडेड बाय आर 2 1 का स्क्वायर। अब मैं यही बात करता हूँ F12 की, मतलब द फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय द चार्ज Q2। तो उसके लिए फॉर्मूला से दोबारा से वही होगा के Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर। लेकिन इस केस में R12 इस डायरेक्शन में होगा और पहले R21 इस डायरेक्शन में था। R21 ये था, R12 ये है। इस डायग्राम से हमें मालूम पड़ा है कि R12 कैप बराबर है माइनस R21, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। अगर मैं R12 की जगह पर R21 लिखना चाह रहा हूँ तो मैं माइनस R21 लिखूंगा, तो ये बराबर होगा माइनस के Q1 Q2 बाय R21 कैप। तो F12 बराबर है, ये वैल्यू किसकी थी, F21 की माइनस। यहां से एक बात पता चली कि ये दोनों म्यूचुअल फोर्सेस हैं, मतलब Q1 Q2 के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहा है Q2 भी Q1 के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हम फोर्स मालूम करना चाह रहे थे कि कितनी फोर्स लगती है, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया F = K Q1 Q2 / R2। इसमें Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज 1 है, Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q है, चार्ज 2 है, K आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। आपने फिर ये बात की कि ये दो जो म्यूचुअल फोर्स है यानी कि Q1 Q2 के ऊपर जितनी फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर हमने K के बारे में बात की, ये बराबर होता है 1/4πε0, और फिर हमने ε0 और ε0r की बात की। ε0r इज द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू अलाउ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, कि वो दो पॉइंट चार्जेस के दौरान कितनी फोर्स लगाने की एबिलिटी है उस मीडियम की, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ER। जो जो ER की वैल्यू बढ़ती जाती है तो आपकी जो फोर्स की वैल्यू है वो कम होती जाती है। मतलब अगर आपके पास वाटर है तो उसके लिए ER की वैल्यू इज ग्रेटर देन E0 एट एयर। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स के अगर आपके दो सेम चार्जेस जो कि सेम डिस्टेंस पर पड़े हैं वो वाटर में रख दिए जाएं और एयर में रख दिए जाएं, तो वाटर के लिए जो कोलम्स की फोर्स निकलेगी दैट विल बी लेस देन द कोलम्स फोर्स दैट विल बी इन द एयर। दैट्स ऑल अबाउट द कोलम्स लॉ। अच्छा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात भी बताना चाहूंगा मैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। अब कोलम्स फोर्स की वही डायरेक्शन होती है
जो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान लाइन होती है। लेट्स सपोज आपके पास एक चार्ज ये था और एक चार्ज ये था, इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स है जो कि अलोंग द लाइन कनेक्टिंग दीज टू पॉइंट चार्जेस लगती है, ऐसे और ऐसे। आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए अलोंग द लाइन ही डायरेक्शन, अलोंग द लाइन ही आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो कि ये देखो इसको ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा। सो इसकी डायरेक्शन अलोंग द लाइन कनेक्टिंग दीज टू पॉइंट चार्जेस होती है, कूलम्स फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द लाइन कनेक्टिंग दीज टू पॉइंट चार्जेस होती है। अगर मैं पॉइंट चार्जेस यूं बना देता हूं, एक यहां बनाता हूं और एक चार्ज मैं अपना यहां रखता हूं, तो फिर आपकी फोर्स जो होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी अलोंग द लाइन कनेक्टिंग दीज टू पॉइंट चार्जेस। दैट्स ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स। और अगर आप लोगों को किसी भी और चीज़ की प्रॉब्लम हो जो इसमें कॉन्सेप्ट की समझ ना आई हो, तो यू कैन कमेंट डाउन, आई ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दोज क्वेश्चंस एज वेल। थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड आई होप दैट यू एंजॉय टुडेज लेक्चर, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अस योर फीडबैक, दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच।